लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले मुस्लिम प्रत्याशियों पर हार का टिकरा फोड़ा और अब ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में नजर आ रही है। जी हां, यूपी से सुपड़ा साफ होने के बाद मायावती ने पहला बड़ा एक्शन लिया है। यूपी के पूर्व सीएम ने दो बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिम्मेदार पदाधिकारियों पर मायावती ने ये कार्रवाई की है, जिसमें पार्टी के पूर्व मुख्य कोऑर्डिनेटर अशोक कुमार गौतम और कौशाम्बी से लोकसभा प्रत्याशी रहे शुभ नारायण गौतम का नाम है, जिन्हें बसपा से निकाल दिया गया है। बसपा के प्रयागराज के मुख्यमंडल प्रभारी ने प्रेस नोट पर जारी कर इनके निष्कासन की जानकारी दी है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो इसमें लिप्त पाए गए, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें सभी जिम्मेदारियों से हटाने और पार्टी से निष्कासित करने का कदम उठाया। बता दें कि अशोक कुमार गौतम प्रयागराज के पूर्व मुख्य कोऑर्डिनेटर थे, जबकि शुभ नारायण गौतम को कौशाम्बी से लोकसभा चुनाव का टिकट मिला था, लेकिन वो सिर्फ 55,858 वोट पाकर तीसरे पायदान पर रहे। बसपा प्रमुख प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते वहां के जिलाध्यक्ष को भी पद से हटा चुकी है। इस लिहाज से देखा जाए तो वो एक के बाद एक एक्शन ले रही है। बता दें कि 18वीं लोकसभा में बसपा का एक भी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाया है। ज्यादातर सीटों में बसपा तीसरे नंबर पर रही। इतनी शर्मनाक हार ये बताने के लिए काफी है कि यूपी से बसपा का अस्तित्व शायद अब खत्म हो गया है।